जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, जिंधरम तुझको मेरा नमन, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? आवाज तो निकल ही नहीं रही है, थोड़ा तेज बोलना। जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, क्या कहा वापस, हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, हम रहे या नहीं रहे लेकिन हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, हमें देख करके दुनिया ये कहे ऐसे होते हैं जैन बच्चे, हम जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जैन शासन की आन बान और शान उसमें किसी तरह की कोई आंच आए, हमारे माध्यम से ऐसा काम होना चाहिए कि लोग देख करके ये कहें ऐसे होते हैं जैनी बच्चे, करेंगे ऐसा काम? हमारे माध्यम से कभी गलत काम नहीं होगा, हमारे माध्यम से कभी चोरी नहीं होगी, हमारे माध्यम से कभी हिंसा नहीं होगी, हमारे माध्यम से कभी कोई ऐसा पाप नहीं होगा जिसे देख करके हमारे माता पिता हमारे परिवार और जैन शासन की शान में किसी तरह की कोई कमी आए, ठीक है ना? तो हमेशा तैयार रहें सतपथ के लिए, हमेशा तैयार रहा करें यहाँ आने के लिए, अपने साथियों को और अधिक प्रेरणा देवें उन्हें आने के लिए, कहें यहाँ निश्चित ही आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ आने से पढ़ने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, अपने आप होता है ऐसा, जब हम पाठशाला में कुछ बातें याद करते हैं, कुछ प्रश्नों को याद करते हैं, कुछ भक्तियों को याद करते हैं, कुछ स्तुतियों को याद करते हैं, तो अपने आप ही अपनी मेमोरी पावर शार्प होती चली जाती है और अपने आप याददाश्त शक्ति बढ़ती चली जाती है। आप सबका जीवन उज्ज्वल हो, आप सब जैन धर्म की ध्वजा पताका को अपने हाथ में लेकर के फहराए, जैन शासन की शान में कदम बढ़ाते चले, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।